वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मंगलवार से खिसककर रिजर्व डे बुधवार तक आ गया है। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और वहीं से शुरू होगा जहां मंगलवार को रोका गया था। उम्मीद है कि मैनचेस्टर में मौसम बेहतर होगा, लेकिन वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आज भी बादल छाए रहेंगे। फैंस उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें पूरा मैच देखने को मिलेगा। यह पहला मौका नहीं है जब भारत को बारिश की चुनौती का सामना करना पड़ा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लीग मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक बांटना पड़ा था। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि किन परिस्थितियों में मैच रिजर्व डे तक जाता है। यदि दोनों टीमें कम से कम 20-20 ओवर खेलती है तो मैच शेड्यूल डे को ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मैच अधिकारी यदि ये देखते हैं कि परिस्थितियां 20 ओवर खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है तो मैच रिजर्व डे पर खेला जाएगा। हालांकि शेड्यूल डे पर मैच को आगे बढ़ाने का भी अवसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता तो मैच रिजर्व डे तक चला जाता है। यदि सेमीफाइनल में रिजर्व डे पर भी कोई परिणाम नहीं आता तो अंक तालिका में आगे चल रही टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यदि फाइनल में भी रिजर्व डे के दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो अब टिकट खरीदने वालों का क्या होगा? शेड्यूल डे का टिकट खरीदने वालों के लिए यही टिकट रिजर्व डे को भी वैध रहेगा। यदि बुधवार को भी मैच नहीं हो पाता तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि वह अंक तालिका में न्यूजीलैंड से आगे है। ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के मैच के दौरान भी बारिश ने बाधा पहुंचाई थी, लेकिन इस मैच में 10 ओवर कम कर दिए गए थे। बता दें कि रद्द हुए ग्रुप मैचों में दोनों टीमों को बराबर अंक मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है, ताकि तय दिन पर अगर मैच न हो पाए तो रिजर्व डे पर मैच पूरा हो सके। रिजर्व डे इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों टीमों को बराबर मौका मिले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला पहले भी एक बार बारिश की वजह से धुल चुका है, लेकिन वह ग्रुप स्टेज था। ग्रुप स्टेज पर रिजर्व डे नहीं होता। ग्रुप स्टेज पर रिजर्व डे न होने के लिए ICC की कड़ी आलोचना हुई थी, खासतौर पर तब जब मैच रद्द हो जाते हैं। हालांकि ग्रुप स्टेज में हर मैच के लिए रिजर्व डे रखना लंबे शेड्यूल को देखते हुए संभव नहीं है। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड के पहले सेमीफाइनल में 10 जुलाई को रिजर्व डे है। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में 12 जुलाई को रिजर्व डे है। दोनों सेमीफाइनल्स को जीतकर आई टीमें 15 जुलाई को फाइनल्स में भिड़ेंगी। हर भारतीय क्रिकेट फैन ये ही चाहता है कि भारतीय टीम जीतकर फाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप अपने नाम करे। आप भी कमेंट सेक्शन में टीम इंडिया को चीयर्स करने के लिए उन्हें गुड लक जरूर विश करें, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।